मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। चौथी पास राजा, किस किस ने सुनी है ये कहानी? इस कहानी का महात्म्य है कि इस कहानी को जितनी बार सुनोगे, जितनी बार सुनाओगे, उतनी भगवान की कृपा आपके परिवार के ऊपर बरसेगी। इस कहानी का जितना प्रचार प्रसार करोगे, उतना देश की तरक्की होगी, उतना समाज की तरक्की होगी। तो जिन लोगों ने कहानी सुनी है वो भी बड़े ध्यान से दोबारा सुनना, अच्छे से सुनना और इसका खूब प्रचार प्रसार करना। ये कहानी एक राजा की है, एक चौथी पास राजा की कहानी है, एक अहंकारी राजा की कहानी है, एक भ्रष्टाचारी राजा की कहानी है। आप लोगों ने राजा और रानी की कई कहानियां सुनी होंगी। इस कहानी में राजा तो है, रानी नहीं है। तो एक महान देश था, कई हजार साल पुराना देश। उस देश के एक गांव में एक बच्चा पैदा हुआ, बहुत गरीब घर में एक बच्चा पैदा हुआ। तो जैसे गांव के अंदर बच्चा पैदा होने पे ज्योतिषी आते हैं, ज्योतिषी आके बच्चे का भविष्य बताते हैं, ऐसे गांव का ज्योतिषी आया, उसने बच्चे की कुंडली देखी और बच्चे की मां को बोला कि माई, तेरा बेटा बड़ा होके बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। माई को समझ नहीं आया, मैं इतनी गरीब, मेरा परिवार इतना गरीब, मेरा बेटा सम्राट कैसे बनेगा। खैर, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, गांव के सरकारी स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया। उसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। पढ़ते पढ़ते, क्लास करते करते चौथी में आके उसने नाम कटवा लिया, उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। बगल में, गांव के बगल में एक रेलवे स्टेशन था, घर में बहुत गरीबी थी। वो बच्चा वहां स्टेशन पे जाके चाय बेचने लगा। चाय बेच के अपना गुजारा करता था। वो भाषण बहुत अच्छा देता था, बचपन से ही बड़ा अच्छा भाषण देता था। गांव के लड़कों को इकट्ठा कर लेता और भाषण देना चालू करता। धीरे धीरे आसपास के गांव में फैल गया कि यह बच्चा भाषण बड़े अच्छे देता है। आसपास के लड़के भी इकट्ठे हो गए और जो मर्जी टॉपिक हो भाषण देना चालू कर देता था और रुकता ही नहीं था, घंटों घंटों तक भाषण देता रहता। बच्चा बड़ा हुआ, ज्योतिषी ने कहा था बड़ा होके बच्चा उस महान देश का सम्राट बन गया। लेकिन राजा तो अनपढ़ था, उसे तो कुछ आता नहीं था। अफसर आते, उस अनपढ़ राजा से जहां मर्जी साइन करा लेते, जहां मर्जी जो मर्जी साइन करा लेते। वो राजा अनपढ़ था, उसे लगता था मैं अगर अफसरों से पूछूंगा तो मेरी कमजोरी सबके सामने प्रकट हो जाएगी, अफसरों को लगेगा मेरे को कुछ आता नहीं है। अफसर जो मर्जी लेके आते थे वहां साइन कर देता था वो। धीरे धीरे पूरे देश के अंदर फैल गया कि राजा अनपढ़ है, राजा अनपढ़ है। राजा को बड़ा बुरा लगने लगा। तो राजा ने कहीं से एक फर्जी डिग्री का जुगाड़ कर लिया, एक फर्जी डिग्री का जुगाड़ कर लिया, एमए की डिग्री का। और राजा बोला मैं एमए हूं, पर सच्चाई तो पूरे देश को पता थी, राजा तो अनपढ़ था। धीरे धीरे राजा अहंकारी भी होता गया, अहंकारी राजा और ऊपर से अनपढ़। जो मर्जी उस राजा के पास जाता और राजा से कुछ भी पास करा के ले आता। एक बार कुछ लोग गए राजा को बोले जी नोटबंदी कर दो।
नोटबंदी करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। राजा को कुछ समझ नहीं आया, राजा की खूब चमची मारी उन्होंने नोट। राजा ने एक दिन शाम को टीवी पे आके 8 बजे नोटबंदी कर दी। पूरे देश का बेड़ा गर्क हो गया दोस्तों। लंबी लंबी बैंकों के सामने लाइनें लग गई, कई लोग मर गए, दुकानें बंद हो गई, रोजगार बंद हो गए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बंद हो गई, पूरे देश का बेड़ा गर्क हो गया। फिर एक दिन कोई आके बोला जी 2000 का नोट ले आओ। राजा 2000 का नोट ले आया। 4 साल बाद कुछ लोग आके बोले जी 2000 का नोट बंद कर दो। राजा ने 2000 का नोट बंद कर दिया। राजा को अक्ल तो थी नहीं, बेवकूफ था, अनपढ़ था, कभी 2000 का नोट चालू करता था, कभी 2000 का नोट बंद करता था। एक बार कुछ लोग आके बोले जी ये किसानों के कानून बना दो, इस कानून से किसानों का भला होगा। राजा ने कानून बना दिए, पूरे देश के किसान सड़कों पे उतर आए। 750 किसान मर गए आंदोलन में। और 1 साल के बाद राजा को वो तीनों कानून वापस लेने पड़े। एक बार उस देश के अंदर बहुत बड़ी महामारी फैल गई, चारों तरफ महामारी फैल गई, लोग मरने लगे। किसने आके बोला जी थाली बजवाओ तो देश ठीक हो जाएगा। तो राजा ने पूरे देश में थाली और चम्मच बजवा दिए। महामारी तो नहीं बची, महामारी तो फैली रही। किसी ने आके कहा जी डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी, दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तब महामारी रुकेगी। राजा अपने दोस्तों का बड़ा ख्याल रखता था, उसके दोस्त थे। एक दोस्त ने 10,000 करोड़ रुपए चोरी कर लिए, राजा ने उसको देश से भगा दिया। दूसरे दोस्त ने 20,000 करोड़ चोरी कर लिए, राजा ने उसको भी देश से भगा दिया। पर एक दोस्त ऐसा था जिससे राजा की ज्यादा ही दोस्ती थी। कौन था? उसको उन्होंने सारे एयरपोर्ट बेच दिए, सारे जहाज बेच दिए, सारे सीपोर्ट बेच दिए, उन्होंने आसमान बेच दिया, जमीन बेच दी, राजा ने खदाने बेच दी। उस राजा, उस दोस्त पे राजा मेहरबान था। राजा का एक और दोस्त था, वो दोस्त इतना गंदा था कि उसने कुछ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी महिलाओं के साथ बदतमीजी करी। लेकिन राजा ने दोस्ती नहीं छोड़ी। मजाल जो उस दोस्त के ऊपर कोई आंच आ जाए, राजा उस दोस्त के साथ खड़ा रहा। लेकिन उसने खिलाड़ियों का सुना। राजा का एक और दोस्त था, उस दोस्त ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, रौंद दिया, कुचल दिया किसानों को। राजा ने अपनी दोस्ती नहीं छोड़ी। इस बात पे तो दाद देनी पड़ेगी कि राजा दोस्तबाज था, एक नंबर का दोस्तबाज था। चारों तरफ अत्याचार हो गया, चारों तरफ देश के अंदर इनके अपने लोग जो थे वो बलात्कार करने लगे, गलत काम करने लगे, हाहाकार मच गया। जो राजा के खिलाफ बोलता राजा उसको पकड़ के जेल में डाल देता। एक दिन एक पत्रकार ने कार्टून बना दिया राजा के खिलाफ, उस पत्रकार को उठा के जेल में डाल दिया। एक दिन एक किसी पत्रकार ने उनके खिलाफ कुछ लिख दिया, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। जो राजा के खिलाफ बोले उसका बेड़ा गर्क। कोई जज अगर उस राजा के खिलाफ ऑर्डर करता था, राजा उसको बख्शता नहीं था। चारों तरफ अत्याचार, महंगाई, बेरोजगारी, ऊपर आसमान में देवता ये सब देख रहे थे कि पृथ्वी के ऊपर कितना घनघोर अत्याचार हो रहा है। सारे देवता इकट्ठे हुए, देवताओं ने मीटिंग करी, सारे देवता मिलकर शिवजी महाराज जी के पास गए और कहा महाराज कुछ करो, पृथ्वी के ऊपर अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया, चारों तरफ बलात्कार, चारों तरफ
हाहाकार मचा हुआ है, जनता परेशान हो रही है। पृथ्वी जी मां शिव जी महाराज जी ने अपनी तीसरी आंख खोली और दोस्तों यहां प्रचंड पृथ्वी के ऊपर अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। उज्जैन के अंदर महाकाल की 6 सप्तऋषियों की बड़ी बड़ी 10 फुटा भारी भारी मूर्तियां थी। एक दिन बारिश और तूफान आया और 6 की 6 मूर्तियां टूट गई। लोगों ने कहा बड़ा अपशकुन हो रहा है, बड़ा अपशकुन हो रहा है। एक दिन एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लोगों ने कहा बड़ा अपशकुन हो रहा है। और एक दिन घनघोर बारिश आई, तूफान आया, ऊपर से आकाशवाणी हुई, सारे देश की जनता को भगवान ने कहा कि आप महान देश के लोग हो, क्या कर रहे हो, उठो खड़े हो जाओ और इस अहंकारी राजा के खिलाफ सब लोग मिलकर आवाज उठाओ, भगवान आपके साथ है। और उसके बाद दोस्तों सोई हुई जनता जाग गई और 1 साल के अंदर उस अहंकारी राजा का राजपाट जनता ने उखाड़ के फेंक दिया। और उसके बाद वो महान देश दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करने लगा। ये कहानी बड़ी पवित्र कहानी है। इस कहानी को सुनने से और सुनाने से परिवार का, समाज का और देश का बहुत भला होता है। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे सुन सकें, इसे समझ सकें। अंत में आपसे एक ही विनती है, अगली बार वोट डालने जाओ तो ऐसे आदमी को वोट डालना, ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बनाना जो कम से कम इतनी तो समझ रखता हो कि 2000 का नोट कैंसिल करना है कि चालू करना है।